जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्यूटेनिक एसिड, जिसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, और यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन एंड ये बीटा कार्बन, ये कैसे इसको डिसाइड करते हैं, आइए इसको हम सीखते हैं। इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन अटैच द फंक्शनल ग्रुप नोन एज द अल्फा कार्बन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जब कोई कार्बन जो है किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। जैसे कि ये बोटेनिक एसिड में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोनिक एसिड जो है फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन से ये अटैच है, इस कार्बन से ये अटैच है, इसलिए इस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से ये दो हाइड्रोजन अटैच हैं, ये दो हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा क्योंकि ये अल्फा कार्बन से अटैच है। ठीक इसी तरह ये कार्बन जो है, ये कार्बन इस अल्फा कार्बन से अटैच है, इसलिए इस कार्बन को हम कहेंगे बीटा कार्बन। इस कार्बन को हम कहेंगे बीटा कार्बन, जो अल्फा, तो हाइड्रोजन अटैच इस अल्फा कार्बन नोन एज अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि जो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और सेकंड कार्बन एटम हुई अटैच विथ द अल्फा कार्बन नोन एज द बीटा कार्बन, यानी कि जो सेकंड कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको हम कहेंगे बीटा कार्बन। अब हम दूसरा एग्जांपल इसी तरह कुछ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पेंटेनॉल है, ये पेंटेनॉल में ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप के रूप में। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन हो गया आपका अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से ये जो हाइड्रोजन अटैच हैं, ये दोनों हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इनको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। और इस अल्फा कार्बन से ये कार्बन अटैच है डायरेक्टली, तो इस कार्बन को हम कहेंगे बीटा कार्बन, इसको हम कहेंगे बीटा कार्बन। यानी कि जब अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच होता है सेकेंडरी कार्बन उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। और अल्फा कार्बन इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे जो ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली ये अटैच है, इसलिए हम इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। बस इतनी सी बात है इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसकी ज़रूरत पड़ती है, आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी।